नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्ट एंड बैचेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस विभाग में भर्ती किए जा रहे हैं। इसकी विज्ञप्ति 29 नवंबर को जारी हो चुकी है। आपको इस विज्ञापन की एक एक चीज़ में डिटेल में समझाने वाला हूँ। आयु संबंधी बात, कितना एज चाहिए, कितना आरक्षण मिलेगा, कितना छूट मिलेगी, पुरानी विज्ञप्ति जो 2016 में आई थी उनके कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, फीस कितना लगना है, लंबाई कितनी ली जा रही है और फिजिकल में रनिंग वगैरह कितनी कराई जाएगी, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। और आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि इसमें कौन कौन से पैरा जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, मैं एक बार उन सभी पैराग्राफ के पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। और नोटिफिकेशन को पढ़ने टाइम इन पर पूरा गौर फरमाइएगा। तो पैरा 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 और 4.1, जिसमें बताया गया है कि पेपर ऑफलाइन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और गलत प्रश्नों पर सभी को बराबर अंक मिलेंगे। 4.1 में तीन चीज़ बताई गई हैं, 4.2 का 1 और 2, 4.3 और 5th पॉइंट, जिसमें बताया गया है केवल यूपी के लोगों को ही आरक्षण मिलेगा, और 5.3 और 5.4 सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके 1, 2, 3, 6, 7, 8 जो बिंदु हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छठवां पॉइंट या छठवां पैरा जो दिया गया है उसका घा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आठवां पैरा जिसका 1, 2, 3, ये जितने मैंने पॉइंट बता दिए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर आपको फोकस करना होगा पढ़ते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसमें जेल वार्डर पुरुष में ये रिक्तियों की संख्या दी गई है। जेल वार्डर पुरुष के लिए आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग OBC SC ST इनकी सबकी बताई गई टोटल 3012 वैकेंसी हैं। और जेल वार्डर में महिलाओं की भर्ती भी है, महिलाएं भी जेल वार्डर बन सकती है, लेकिन आरक्षी घुड़सवार केवल और केवल पुरुष बनेंगे। और उनकी ये 102 पदों की संख्या है, जिनमें जनरल 51, OBC 28 और 21 और 2 SC ST क्रमशः हैं। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं पैरा 2.2। यहाँ पर ये सारे पैरा दिए गए हैं, मैं धीरे धीरे इनको ऊपर ले जाऊँगा, आप इनको पढ़ते जाइए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए इसमें बात लिखी है। आपको सजेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद भी आप एक बार पूरा विज्ञापन अपने मन से पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही कोई डिसीजन लें। किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर इसमें जो भी है वही टू द पॉइंट इसमें लिखा, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इसमें संशोधन भी हो सकता है, जैसे एज फैक्टर में एज वगैरह बहुत कम दी गई है तो हो सकता है बाद में इसे संशोधन दिया जाए। जब हालांकि उन लोगों ने छूट दी हुई है OBC SC ST को 5 5 वर्ष के लिए, और जो 2016 में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और फिर से उनको फॉर्म अप्लाई करना है उन लोगों को भी जो है उसी के 2016 के अनुसार छूट मिलेगी। और साथ ही जो लोग राज्य सेवा में राज्य सरकार के साथ सेवा कर रहे हैं, सेवा में कार्यरत हैं, उनको 5 वर्ष का जो है छूट मिलेगा आयु में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बता दें कि आपको इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जो ऑफलाइन होगी, और उसके बाद उसमें फिजिकल वगैरह करवाया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता उनके आवेदन पत्र में अंकों पर मेरिट का ऑर्डर प्रेफरेंस किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा, आवेदन प्रारंभ हो रहा है 8 दिसंबर को, मतलब कल शुरू हो चुका है। और आवेदन शुल्क जमा करेंगे आप 31 तारीख तक, लेकिन 28 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन हर हालत में हो जाना चाहिए, यह यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदन शुल्क समझ लीजिए क्या है। आवेदन शुल्क 400 रुपये सभी के लिए, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे जो भी हो, सभी के लिए 400 रुपये लिखा हुआ है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये। और जो लोग 2016 में फॉर्म अप्लाई किए थे जेल प्रहरी का या फिर जेल वार्डर का, उन लोगों ने 200 रुपये तब 200 रुपये फीस थी, आज 400 हो गई है, तो उन्हें फिर से इसको रिन्यू करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँगा, यहाँ पर लिखा है ये देखिए, उन्हें उस विज्ञापित भर्ती में 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। किन्हें? जो लोगों ने PRPB 1 2 कारावास विद 2016 दिनांक 20/12/16 इस तारीख को जो विज्ञप्ति आई थी उनके उन्हें इन्हें 200 रुपये अतिरिक्त पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नोट में, पूर्व में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के जेल वार्डर एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती 16 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद को द्वितीय वरीयता देते हैं
तो उन्हें पूरा का पूरा 400 रुपये जमा करना होगा। मतलब जो 2016 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 2016 वाली विज्ञापन में फॉर्म भरा था, वो केवल जेल वार्डर के लिए आया था, आरक्षी घुड़सवार के लिए उसमें नहीं था। तो अगर इस वाली भर्ती में आप आरक्षी घुड़सवार के लिए भी द्वितीय वरीयता देते हैं तो आपको 200 रुपये तो वो जो देने हैं अतिरिक्त, वो तो देने ही देने हैं, और ये 200 रुपये और देने पड़ेंगे आपको। मतलब कि 400 रुपये जेल वार्डर का शुल्क है, जो 200 रुपये आप पे कर चुके हैं पहले, और आरक्षी घुड़सवार का 200 रुपये आपसे और ले लिया जाएगा। तो ऐसा इसमें दिया गया है। और अर्हताएँ दी गई हैं, राष्ट्रीयता आप सबको मालूम ही है कि क्या क्या मांगी जाती है यहाँ पर हम लोगों से। तो आगे चलते हैं इसमें, पॉइंट 3.3 पर चलते हैं। शैक्षिक अर्हता हमसे मांगी गई है 3.2 में, किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। इन दोनों भर्तियों के लिए केवल और केवल हमें 12th चाहिए, और दिया गया है कि अपेयरिंग वालों को भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। जो लोग इंटर में अपेयरिंग हैं वो लोग भर्ती के पात्र नहीं होंगे। इसके बाद अधिमानी अर्हता यहाँ जो दी गई हैं, जैसे डोएक सोसाइटी से आप ओ लेवल पा जाइए, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का काम करिए, तीसरा है एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट हो, तो इनका कोई आपको अंक नहीं मिलेगा। लेकिन जब टाई की स्थिति आएगी, टाई की स्थिति का मतलब दो कैंडिडेट हैं उनके अंक बराबर हो गए हैं, मेरिट में दोनों लोग बराबर पायदान पर खड़े हैं, तो ये जो अधिमानी अर्हताएँ हैं इनको धारण करने वाले लोगों को उन्हें छूट दी जाएगी और उनको ऊपर रख दिया जाएगा। एज फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष की एज मांगी गई है, और जो एज है वो 1 जुलाई 2018 से जोड़ी जा रही है, और 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2000 बाद के 2000 के बाद का जन्म नहीं चाहिए उन्हें। और महिला अभ्यर्थियों का भी दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, कि 1 जुलाई 2018 को एज पढ़ी जाएगी, और 18 से 25 साल तक की महिलाओं को लिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि उनका जन्म 2 जुलाई 1993 से पहले तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर और साफ साफ लिखा हुआ है कि यह SC ST और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आयु सीमा हमको विज्ञापन में दी गई वो तो रखी जाएगी, साथ ही साथ इसमें कुछ आरक्षण का भी प्रावधान रहेगा OBC SC ST के लिए। देख लेते हैं आगे चल के, आगे बताया गया है यहाँ पर, देख लीजिए ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं क्या इसमें लिखा है। जो लोग 2016 में फॉर्म भरे थे उनकी अधिकतम सीमा में उस सीमा तक शिथिलता प्रदान की जाएगी जो उनकी अर्हता के लिए तत्समय अपेक्षित थी। तत्समय का मतलब है जब 2016 वाला आपने फॉर्म भरा था उस समय मान लीजिए कि आप बस एक ही महीना आपकी एज बची थी, तो यहाँ पर भी आपको 2 साल का रिलीफ मिलने वाला है। ऐसा समझ लीजिए सीधा 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 कि आपको जो पुरानी भर्ती है और जो आज भर्ती है, ये इसके बीच का जितना समय, मान लीजिए 2 वर्ष 1 महीना है, तो आपको आज की डेट में 2 वर्ष 1 महीने की छूट दी जाएगी। और इसके बाद भी, बाद में अगर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होगा तो इस पर बोर्ड विचार करेगा, और अगर आपके साथ कोई विवाद की स्थिति क्रिएट होती है तो आप बोर्ड से तुरंत संपर्क करिए, उनसे अपनी समस्या बताइए, तो बोर्ड इस पर विचार करके नया कानून बना सकता है, नया नियम निकाल सकता है। चरित्रवान होने चाहिए आप, भाई 3.5 में लिखा है आपका चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वैवाहिक स्थिति में उनको सही मानती है जो पुरुष एक जीवित पत्नी धारित करते हैं, उनके पास सिर्फ एक जीवित पत्नी है। और महिलाओं के लिए भी ऐसा है कि उन्हीं पुरुष के साथ उनका विवाह होना चाहिए जिनके पास अकेली वही हैं, और इसके पहले उनकी जो जीवित पत्नी थी वो अब इस दुनिया में ना हो। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो, मतलब वो दूसरा विवाह कर रहा हो, तो वो पत्नी भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और इस नियम में छूट मिल सकती है यदि उसका एक विशेष कारण विद्यमान हो। ढेर सारे विशेष कारण हो सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ लिखा गया है, भर्ती की प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पर, आप इसको पढ़िएगा। लिखित परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पैरा आता है 4.1 का, इसको हम बता देते हैं। 4.1 में लिखा है आवेदन पत्र सही पाने जाए सही होने चाहिए, और एक ही आवेदन अप्लाई करना होगा, दो दो कोई कहीं से नहीं भरेगा, नहीं निरस्त कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग होनी है यहाँ पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे दिए गए हैं।
अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक दिन कराई जा सकती है, एक पाली में करवाई जा सकती है या अधिक में करवाया जा सकता है, ये सब लिखा हुआ है। और परीक्षा ऑफलाइन संचालित होगी, ऑफलाइन ये यहाँ लिखा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको पता चला कि परीक्षा ऑफलाइन होनी है। इसके बाद ये जो पैरा लिखा हुआ है, इसमें भी एक बात लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एक से अधिक पाली में होने की दशा में। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये लोग। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ, यदि कोई प्रश्न अथवा उसका उत्तर गलत पाया जाएगा तो परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को उसके पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों के बारे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए सही तरीके से, जो जो इन लोगों का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इसमें पुरुष की ऊंचाई देख लेते हैं कितनी ली गई है। सामान्य OBC और SC के पुरुषों की अभ्यर्थियाँ 168 ली गई है, जबकि केवल ऊंचाई में ST कैंडिडेट को छूट मिली है। ये यहाँ केवल ST कैंडिडेट को छूट दिया गया है कि ऊंचाई 160 ले ली जाएगी, 8 सेंटीमीटर की छूट इन लोगों को दे दी गई है। और वहीं अगर हम सीने की बात करें, चेस्ट की, तो सामान्य OBC और SC कैंडिडेट के लिए न्यूनतम सीमा 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुला हो करके 84 सेंटीमीटर का न्यूनतम फूला हुआ होना चाहिए। मतलब कि बिना फूला हुआ 79 सेंटीमीटर हो और फूलने के बाद न्यूनतम 84 सेंटीमीटर हो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, आप कितना भी फुला सकते हो, 56 इंच का भी दिखा सकते हो। इसके बाद महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है कि महिलाओं की ऊंचाई सामान्य मतलब जनरल OBC और SC की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ST की महिलाओं की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन दे दिया गया है महिलाओं का, न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिलाओं का। इसके बाद दस्तावेजों की जो डिटेल है वो यहाँ वेबसाइट में दे दी जाएगी, लिखा हुआ है यथा समय। वेबसाइट पर आप विजिट करते रहेंगे जब आप परीक्षा दे लेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर की दौड़ होगी, जो 25 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। चयन एवं अंतिम योग्यता सूची आपको मालूम ही है कैसे करना होगा चयन इन लोगों को। आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर अंक मिलेंगे, फिर मेरिट बनेगी, इनको छोड़ते हैं। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट साफ साफ लिखा हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब ये है विगत 3 वर्षों से साधारणतः आवासित हों, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलने वाला है, क्योंकि ये यूपी की भर्ती है तो यूपी के लोगों को ही आरक्षण लंबवत एवं क्षैतिज जो भी मिलेगा। लंबवत का मतलब है कैटेगरी वाला, क्षैतिज का मतलब है स्पेशल कैटेगरी में। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इन सब बातों को। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लंबवत वर्टिकल आरक्षण हमको कहाँ मिलेगा, SC ST और OBC वाले कॉलम में। ये देखिए, SC अनुसूचित जाति के लिए %21 रहेगा, अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की रहेगी। और जो इन लोग को जात प्रमाण पत्र का प्रारूप बनवाना है वो प्रारूप 2 का होना चाहिए और ये सक्षम अधिकारियों के नाम है। इसी तरह ST कैंडिडेट के लिए 2% रहेगा और इनकी अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी, प्रारूप इनका 2 होगा। और OBC के लिए अधिकतम जो छूट है वो 5 वर्ष की है और इनका आरक्षण का प्रतिशत 27 है। इसके बाद क्षैतिज में, जैसा मैंने अभी बताया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स, केवल आरक्षी, घुड़सवार के पद के लिए मान्य हैं, उनके लिए ये प्रतिशत है और आयु सीमा में छूट ये दी गई है। और आगे चलते हैं, इसके बाद हम 5.3 इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य में जो लोग राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, मान लीजिए कोई यूपी पुलिस में कार्यरत है या कोई लेखपाल है या कोई VDO है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ये उसके लिए प्रमाण पत्र से प्रारूप 4 के अनुरूप बनवा लेना चाहिए और सारे प्रमाण पत्र 2018 के चाहिए। और एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए कि आपको जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2018 से आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही निर्गत होना चाहिए, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टिप्पणी में। टिप्पणी में लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 1 होना चाहिए और प्रारूप 2 किनके लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है।
और 21 अप्रैल 15 में निर्धारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आशित। ये आगे चलते हैं, ये पॉइंट टू में ये बात लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट टू में कि एक मिनट, हाँ ये लिखा है कि यूपी सरकार में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी वर्ग के लिए जात प्रमाण पत्र प्रारूप वन होना चाहिए जो 1 अप्रैल 18 या उसके बाद का, किंतु भर्ती निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक का चाहिए। मतलब जो भर्ती हो रही है 31 दिसंबर तक की हो रही है, तो आप 31 दिसंबर के पहले आप अपना ओबीसी का बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए अभी से। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग समझते हैं कि हम इस भर्ती में सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है प्रारूप दो होना चाहिए, इनके लिए भी डेट वही है 1 अप्रैल 18 उसके बाद का, किंतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए। 1 जनवरी 2019 का आप बनवा के लेके जाओगे तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको उस प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बता दूं, 6th पॉइंट में ले चलते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण दावा करेगा तो उसे उसी का लाभ दिया जाएगा जो उसके लिए ज़्यादा लाभकारी है। इसके बाद आपको 7वां पॉइंट बता दें, महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो महिला अभ्यर्थियों को जो आरक्षण वगैरह चाहिए या फिर कोई भी प्रमाण पत्र दिखाना हो, वो पिता पक्ष से निर्गत होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई महिला है, वो ओबीसी कैंडिडेट की हैं और वो उनकी शादी एससी कैंडिडेट से हो गई है, तो उनको जो आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए वो अपने पिता के नाम से बनवाना चाहिए। मतलब ओबीसी का, एससी कैंडिडेट का आप लेकर के अपने हस्बैंड के नाम का लेकर जाएंगे तो वो नहीं मान्य किया जाएगा। यहाँ पर एकदम साफ साफ बात लिख दी गई है कि आपको, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि ऐसी महिला का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य ना होगा, पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है महिलाओं के लिए, इसको मेंशन करना चाहिए सभी को। इसके बाद इसमें का 8वां पॉइंट दिया गया है, लंबवत क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिला अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल निवासी होने का संदर्भ वर्ष 18 में निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट के लिए कि आपको जो निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र वो आपका सन 2018 का होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अभी जाके, आज ही जा कर के आज आप आवेदन कर दीजिए और बनवा लीजिए नया। और 2018 का अगर आप लेकर के नहीं जाएंगे तो आपको आरक्षण से भी मुक्त कर दिया जाएगा, आरक्षण भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम छठवें पॉइंट तक चलते हैं। यहाँ पर सारी बातें भूतपूर्व सैनिक वगैरह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के बारे में लिखी हुई है। जो लोग इन कैटेगरी से आते हैं इनके बारे में पूरा पढ़ करके समझ करके अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल करें, ये अपना समझ लेंगे। ये होमगार्ड्स के लिए हैं। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय क्या क्या रखेंगे, 10वीं 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र रखेंगे, अधिमानी अर्हता जो डो 1 से कंप्यूटर ओ लेवल का हो, प्रादेशिक सेना 2 वर्ष की हो या NCC 2 साल की हो, बी सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आरक्षण में अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र जो 2018 का निर्गत होना चाहिए, होना चाहिए ओबीसी वाला होना चाहिए जो 1 अप्रैल 18 या उसके बाद, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रारूप दो पर लेकर के जाएंगे अपना जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 18 उसके बाद का, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक का ही निर्गत होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी प्रारूप 3 का निर्गत होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, आरक्षी घुड़सवार के केवल उन्हीं के लिए जो होमगार्ड्स हैं, जो पदमान्य हैं उनके लिए, ये होमगार्ड्स के बारे में बात लिखी हुई है। आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों को प्रारूप 4 पर प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। और 8वां नंबर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ पर फोटो कैसा रखना है आपको, स्कैन करके ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो सिग्नेचर है काले पेन से सिग्नेचर किया जाना चाहिए और 5 KB से अधिक 20 KB से कम होना चाहिए। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में
की गई सभी प्रविष्टियाँ, अपलोड किए गए फोटोग्राफ हस्ताक्षर सही हैं, बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। अगर प्रविष्टियाँ मेल नहीं खाएंगी तो वो लोग रद्द करने की बात कर रहे हैं कि हम निरस्त कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आप जाएंगे PRPUPPBPB.gov.in पर, तो वहाँ पर से आप ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म। ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद इसमें जो है आगे चलते हैं, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है, यहाँ सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आठवां बिंदु जो दिया गया है, आठवें बिंदु में हम आपको, छठवें में घा बिंदु मैंने समझाया कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। सिक्स्थ का घा, हाँ ये, हाँ ये पॉइंट मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। इसके बाद आठवें पे चलते हैं, बिंदु आठ पे। बिंदु आठ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या कहा गया है यहाँ हमसे। यहाँ हमसे कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भरें, बहुत होशियारी न करें कि हम दो भरेंगे, एक बेकार हो जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बाद में आप किसी तरह का चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लिखा आवेदन, अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण, अयथार्थ सूचना स्वीकृत है तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें, अच्छे से मिला लेंगे, फॉर्म कैफे में भरवाते हैं, किसी और से भरवाते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फॉर्म भरवाएं और अच्छे से तैयारी करने में लग जाएं। मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, जो इसके सिलेबस को डिटेल समझाने वाला होगा और क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ कहाँ से पढ़ना होगा, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। और जो भी मुझे मैथ का और रीजनिंग का जो भी पार्ट मुझे देना होगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपका कौन कौन सा सेक्शन वीक है, आपके आपके उस सेक्शन के लिए मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा। जो अभ्यर्थी आवेदन से किसी भी भारतीय सेवा में है, मतलब भारत सरकार की सेवा में हैं, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय नो ऑब्जेक्शन NOC जारी करनी होगी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर हमारे यहाँ काम करने वाले आपके यहाँ ये भर्ती में उपलब्ध होते हैं या इस भर्ती में जाते हैं। इसके बाद 9 पॉइंट दिया गया है, इसमें अन्य बातें लिखी हुई हैं जिसमें डिबार करने और जैसी बातें लिखी गई हैं, गलत सूचनाओं अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो ये सब करने के लिए लिखा है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, लखनऊ से आप अपना केस वेस लड़ सकते हैं, न्यायालय कार्यवाही लखनऊ बोर्ड से होगी केवल। और इसके बाद प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके बाद मैं दोस्तों आपको इसके बाद एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके सिलेबस को मैं पूरी तरीके समझाऊंगा, इसकी परीक्षा प्रणाली को समझाऊंगा कि कैसे परीक्षा होनी है, ऑफलाइन होगी तो, और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और सिलेबस में क्या क्या चीज़ आती हैं, इनका सोर्स हमको कहाँ से लेना है, हम इन चीज़ों को कहाँ से पढ़ पाएंगे, कहाँ लिखी हुई हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और उनसे